हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि खेल में हमें हकीकी दुनिया का एक छोटा नमूना मिल जाता है, एक प्रैक्टिस ग्राउंड मिल जाता है दुनिया के आने वाले खेलों के लिए। स्पोर्ट्स गेम्स से हम यही सीखते हैं कि जीतने से ज्यादा अहम जायज खेलना है, क्योंकि धोखेबाज हमेशा पकड़े जाते हैं और फिर उनके साथ कोई नहीं खेलता। जायज खेलोगे तो लोग हमेशा मैच लगाने के लिए तैयार होंगे और इन द लॉन्ग रन कभी ना कभी जीत भी जाओगे। भाई दिल तो कर रहा है कि सारा दिन खेलता रहा, लेकिन आज अम्मी ने कुछ गाड़ियों के काम दिए, वो करने बहुत जरूरी है, टाइम भी बहुत कम है। ये 2015 की टोयोटा ग्रैंडे एल्टस, इसको बेचना है। ग्रैंडे को चली हुई तो फिर भी 37,000 किलोमीटर है और फॉर सेल है। पहले हम जाएंगे कार फर्स्ट के पास प्राइस लगवाने, फिर उसके बाद सुनील मंच के पास जाएंगे एडवाइस लेने। ओए ईट्रॉन को भेजो नंबर लग गया, ये कब से हुआ है? जितनी देर कार फर्स्ट हमारी गाड़ी चेक कर रही है उतनी देर हम जरा और समोसा से थोड़ी डोरिटोस चाट, व्हाई नॉट। एहसान इस वाली डिश का क्या नाम है? सच्ची बताऊं तो मुझे नहीं पता, इसका चलो पता है। इसका क्या नाम है? फ्रेंच फ्राइज। इस वाले का नाम है दाल दही डोरिटोस चाट। क्या कर रहे हैं हमारी गाड़ी के साथ हैं? वैसे इंस्पेक्शन करने की इन लोगों को इतनी जरूरत तो नहीं है, हमारे घर में गाड़ियों का फुल ख्याल रखा जाता है। करोला है 2017? नहीं 2015 की ग्रांडे है। मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो मेरी क्या गाड़ी की डील होली और पार्क बीस। उसके लिए दो तीन तरीके हैं, हम लोगों ने एक निकाला है, हमारी एक सर्विस है सेल इट फॉर मी। आपने अपनी गाड़ी को बेचना है, आप पार्क व्हील्स को कॉल करेंगे, हमारी टीम आएगी उसको इंस्पेक्ट करेगी, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएगी और उसका एड लगाएगी, आपको बता देगी जी इसकी मार्केट प्राइस है, एक्सट्रीम भी बता देगी, मिनिमम भी बता देगी। कई लोग होते हैं जिनको जल्दी होती है, आप यार मैंने फॉरन बेचनी, आपको बता देंगे सर फॉरन बेचने की प्राइस ये है और ये इसकी मैक्सिमम प्राइस है। सही है, हमारी टीम कॉल्स लेगी, सारा हेडेक उनका होगा, फाइनल कस्टमर लेके आपके पास आएगी और वो आपको ऑर्डर देगी और आपसे गाड़ी लीजिए। सुनील भाई इज लव भाई, बट I'm inclined a little bit towards car first, क्योंकि हमने अमरीका जाना है और मैं चाह रहा हूँ कि जाने से पहले गाड़ी बिक जाए, और कार फर्स्ट की दो सेकंड में बिक जाती है, मेरा पहले भी तजर्बा रहा है उनके साथ। मगर क्योंकि माँ बाप का कहना है कि अच्छे दामों गाड़ी बेचना ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं जल्दी बिक जाए, तो इसलिए हम पार्क व्हील्स की सेलमा कार फॉर्मी सर्विस भी चेक कर रहे हैं, और वैसे तो वावा कार्स की भी एक ऑप्शन बनती है लेकिन वो अभी तक लाहौर नहीं आए, तो इसलिए उनको ना हम बेच पाएंगे। भाई जितनी देर पार्क व्हील्स वाले गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मैं आपको इस गाड़ी के स्मार्ट टॉप के बारे में बताता हूं जो अबू ने भी लगाया है और वो बहुत खुश हैं स्मार्ट टॉप से, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि यार BJ40 ले लें इसकी जगह। गाड़ी का एक दफ़ा इंजन भी ओवरऑल हो चुका हुआ है, इसके अंदर क्योंकि थाए मॉडल है इसके अंदर हीटर भी कोई नहीं, और सर्दियाँ जब शुरू हो जाए ना तो इसके अंदर बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस गाड़ी के पीछे अब कुत्ता रखा जा सकता है, और एक ज़माने में जब अबू शिकार खेलते थे तो ये गाड़ी बड़ी इस्तेमाल में होती थी और पीछे कुत्ते रखने की ज़रूरत भी थी, लेकिन आजकल वो ज़्यादा गोल्फ खेल रहे हैं तो C180L पे ज्यादा जा रहे हैं। महंगा लाइफस्टाइल। पार्क व्हील्स का इंस्पेक्टर पेंट थिकनेस मेजरमेंट टूल लाया हुआ है, जिससे वो गाड़ी के पुराने पोशीदा नुकसानात निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ होगा तो उधर पेंट जॉब करना पड़ा होगा और वहां पे पेंट की थिकनेस ज्यादा होगी, लेकिन इस वक्त उनका थिकनेस मेजरमेंट टूल जो है हर जगह फेल हो रहा है क्योंकि ये गाड़ी है ग्लास कोटेड। मगर इस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं क्योंकि अम्मी के इस्तेमाल में रही है, छोटे मोटे स्क्रैचेज हैं इधर उधर, तो क्योंकि ये दोनों स्मार्ट कुकीज़ हैं कार फर्स्ट और पार्क व्हील्स, तो दोनों को अंदाज़ा हो गया कि एक्चुअली ग्लास कोटिंग ही है और गाड़ी की कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए। द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान सारे भाई के घर में आए हैं, ये आप देखिए कितना वेट लूज कर लिए, सबर बॉडी तैयार है भाई की विंटर्स में। तो गाड़ी को बेचने की दास्तान तकरीबन 4 से 5 हफ्ते की थी, लेकिन मैं मुख्तसर करके आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि कार फर्स्ट ने अगले दिन ही 2.6 मिलियन की ऑफर दी और पार्क व्हील्स वालों ने 3 से 4 हफ्ते अपने क्लासिफाइड्स पे लगाने के बाद और गाहक ढूंढने के बाद उसको 50,000 रुपये से बीट किया, यानी कि 2.65 मिलियन की ऑफर दी। लेकिन जब वो हमारे से गाड़ी लेने आए तो उनको ये पता चला कि हमारी गाड़ी के कागजात डुप्लीकेट हैं और डुप्लीकेट गाड़ी की मार्केट में 2 लाख रुपए वैल्यू कम होती है। अम्मी ने साथ FIR लगाई हुई थी, कभी किसी ज़माने में कागजात गुम हो गए थे, तो यही बात जब हमने कार फर्स्ट को बताई तो उनने भी कहा कि हम 2 लाख रुपए कम देंगे, तो डिफरेंशियल वही रहा 50,000 रुपए का। लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में था तो मैंने कार फर्स्ट को बेच दिया, और मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा देर इंतज़ार करें तो 50,000 तो क्या लाख रुपया भी ज़्यादा बनाया जा सकता है पार्क व्हील्स वाले प्रोसेस के थ्रू। सुनील भाई नई गाड़ी खरीदनी है अम्मी के लिए, क्रॉसओवर चाहिए, कोई भी गाड़ी लेनी है खासतौर पे वालदा के लिए लेनी है घर के लिए, तो दो चीज़ें देखनी है, एक तो गाड़ी को लेने के बाद उसकी फ्यूल एवरेज
उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और वो जो ग्रुप है वो कितना सीरियस है। हैवल का रिव्यू देखा था, उसमें बड़े फीचर्स नजर आए थे। हैवल में बहुत फीचर्स हैं, एमजी में बहुत फीचर्स हैं। तो मैं ये कहता हूँ यार पाकिस्तानी इंडस्ट्री को हमें सपोर्ट एटलीस्ट करना चाहिए। बीआरवी भी आई गेस तीन रह गए हैं, बीआरवी, ग्लोरी, स्पोर्टेज एंड टूसो। स्पोर्टेज का नया मॉडल आने वाला है सून। स्पोर्टेज का नया मॉडल अगले साल के एंड पे आना चाहिए। और टूसो का अभी अभी नहीं पता कोई, उसका कोई आइडिया नहीं। और पार्टी आपको लगता है कि क्योंकि टूसो तो अभी टूसो इज विद निशाद, होंडाई मोटर्स स्ट्रांग है, कहीं जाने वालों में से मुझे लगता है नहीं है। लेकिन वो ऑन बहुत ले रहे हैं और अभी ऑर्डर बुकिंग भी यार ऑन, मतलब ऑन तो वो नहीं ले रहे, तो लोग ले रहे हैं जो बुक करा रहे हैं। उनका जो प्लांट था उसकी जो कैपेसिटी थी शायद उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया मार्केट को, तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम थी जिसकी वजह से डिलीवरीज डिले हैं। ठीक है, और ऑन देना आपको बुरा नहीं लग रहा क्योंकि अगर फौरी चाहिए तो फिर तो देखें कोई और ऑप्शन नहीं ना आपको। अगर फौरी गाड़ी कोई भी चाहिए तो मिनिमम डिलीवरी टाइम एटलीस्ट 4 महीने 5 महीने तो हर गाड़ी का, इस केस में थोड़ा 200 में और ज्यादा है, तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी कि आप गाड़ी फिर मार्केट से किसी से भी खरीद सकते हैं। चलें फिर 200 ही करते हैं मेरे ख्याल से ऑन पे। अब उसमें कौन सी लेनी है अगेन, दैट इज अ क्वेश्चन। टॉप ऑफ द लाइन सर। अरे मेरा हमेशा ये होता है कि मैं कहता हूं फ्रंट व्हील ले लें, ऑल व्हील का क्या फायदा। अच्छा क्यों ऑल व्हील का क्या, मैंने नथिया गली टाइप जाना होता है कोई फायदा नहीं होता उसको। यार ऑल व्हील इज नॉट इक्वल टू फोर व्हील, ये हमारे यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं नथिया गली इज नॉट फोर व्हील ड्राइव। तो ऑल व्हील पे भी चली जाएगी, फ्रंट व्हील भी चली जाएगी, फ्रंट व्हील को भी कोई इशू नहीं। इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ट्रैक्शन। ये ट्रैक्शन भी बेहतर है, वो एज ट्रैक उसका सिस्टम है, वो खास तौर पे स्लिपरी सरफेस के लिए बेहतर है। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नथिया गली जाना है देन आई वुड रिकमेंड कि आप ऑल व्हील ले लो। ठीक है तो ऑल व्हील इट इज। Dual zone climate control, rear seat vents, USB chargers and a wireless charger in the front too. Nice. अब इसके इंजन का भी जरा चेक करते हैं। और क्या सीन है, वो मीटिंग है हमारी आज। वाह कितने बजे मीटिंग? 8 बजे। 8 बजे कितनी, 15 मिनट में? हाँ जी उठे, मैं तो नहा के आता हूँ। नई गाड़ी आई घर में अम्मी ने मंगवाई है, सवारी आई अपनी गाड़ी इसको नजर ना लग जाए, आई है ये गाड़ी बेटा सके तो तू खुले दे खुले दे। नई गाड़ी आई घर में अम्मी ने मंगवाई है, सवारी आई अपनी गाड़ी इसको नजर ना लग जाए, आई है ये गाड़ी बेटा सके तो तू खुले दे खुले दे।